उम्मीन अस्सलाम रिहिम्क मेरा टॉपिक है क्लास नाइन्थ के लिए तो टॉपिक है मेरा नावल में एक शहर था पुंछ कृष्ण चंद्र के सवानिया नावल नावल मिट्टी के सनम से माखूज एक हिस्सा मिट्टी के सनम से ये लिया गया है एक किताब है उनकी तो मिट्टी का मिट्टी के सनम उसी से ये माखूज अखस किया गया है पढूंगी मैं फिर आपको उसका मानी बताऊंगी। पुनष के दिन मेरे लिए बहते पानी के दिन थे और सूरजमुखी के फूलों की तरह आफ्ताब के गिरद तवाफ करने के दिन थे मैं एक ज़मीन एक धरती एक शहर एक सारा था जो मसरत के गिरद चक्कर लगाता था मेरे वो दिन खुले नीले आसमान में सफेद बादलों की तरह गुजर गए वो गड़िया आज भी याद के किसी ऊंचे बूरे टीले पर लम्हों की लंबी लंबी डंडियों पर नरगिसी फूलों की तरह झुकी हुई मुझे तकती हैं कितने ही रास्ते हैं मेरे दिल में जो पुंछ की वादी को जाते हैं कभी शुमाल कभी मशरक़ कभी जनूब कभी मगरब जिधर से भी चलता हूँ पुंछ पहुँच जाता हूँ दूसरा पैरा है उसका बड़े टीढ़े टीढ़े कोहिस्तानी कठिन रास्ते हैं मगर जिधर से भी जाओ जब पुंछ करीब आता है तो दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं पहाड़ फटने लगते हैं एक तरफ बेताड़ का दरिया आता है अली आबाद की जानब से दूसरी तरफ से पुंछ का दरिया जिस वादी में इन दोनों दरियाओं का संगम है वहीं पर पुंछ का शहर आबाद है कहते हैं कि पिछले ज़माने में एक राजा पुनश था उसने सबसे पहले इस वादी में शहर बसाया उसी के नाम पर उसे पुनश नगरी कहा गया बाद में बिगड़कर पुनश पन्नश का पुनश और पुनश से ऊंच हो गया यादों की भीड़ लगी है इस शहर के वो तीस हजार चेहरे उनमें से हर एक को जाती तौर पर जानता हूँ कब इतने लोगों को जाती तौर पर जानना मुमकिन है मुंबई में मुझे रहते हुए बीस साल हो गए इन बीस सालों में अच्छी तरह बीस आदमियों को भी पहचान नहीं पाया मगर उस शहर के बच्चे बच्चे गली गली और घर घर से मैं वाकिफ हूँ अजब तरह से वाकिफ हूँ यादों की स्केच बुक में हर चेहरा एक किताब है एक किरदार है, एक कहानी है एक नावल है मैं उन्हें बयान भी नहीं कर सकता वो सब मेरे दोस्त हैं। एक का हाथ पकड़ता हूँ तो दूसरा फौरन मेरे जहन में आकर कहता है मुझे भूल गए खूबसूरत रूम साठ टीलों पर आबाद है तो मेरा पुछ बारह टीलों पर शायद इसीलिए वो मुझे रूम से खूबसूरत मालूम होता है एक टेले पर पुंछ का पुराना किला आबाद है, दूसरे टेले पर पुंछ के शाही महल हैं तीसरे टेले पर वजीर वजारत की कोठी है चौथे टेले पर फौज की परेड ग्राउंड है पांचवें टेले पर सरकारी अस्पताल की इमारतें और बागात हैं छठे टेले पर अदालतें और दरबार हाल है सातवें टेले पर पूरा ग्राउंड था जिसे बराबर करके एयरपोर्ट बना दिया गया है आठवें टेले पर खोड़ीनाड के मुजाफात हैं नवें टेले पर शहर का मर्कजी हिस्सा है तीन तरफ से बाजार डलवानों से शुरू होते हैं और ऊंचे होते जाते हैं जहाँ जाके ये तीनों बाजार मिल जाते हैं वो शहर का मरकज है दसवें टेले पर किसी जमाने में रेजिडेंसी थी अब वहाँ पर बड़े बड़े हाकमों के बंगले हैं ग्यारहवें टेले पर बिजली के लिए पानी वहाँ पहुँचाने का तालाब है बारहवें टेले पर फवारा बाग है यानी एक बहुत ही छोटे पैमाने पर कश्मीर के शालमार बाग की नकल और इस बाग के तीन तरफ सतह मरतफा पर फैले हुए और बाग हैं लोकाट अनार नाशपातियों के बाग चेरी पलम और विलायती आडू के बाग और जहां पर ये बागात खत्म होते थे वहां पर हमारे स्कूल का प्ले ग्राउंड था पुनुष के दिन मेरे लिए बेहतर पानी के दिन थे यहाँ नावल निगार ने पुनुष के सफर जो उसने जो वक़्त उन्होंने पुनष में गुजारे हैं उसी पर ये बनाया है उसी पर ये नावल लिखी है कहते हैं कि पुनष के दिन मेरे लिए बहते पानी के दिन थे पुनष में जो दिन मैंने गुजारे हैं वो इस तरह थे जैसे बहते पान जैसे पानी बहता है यानी या पानी रवा होना उसको बहते पानी कहते हैं और सूरजमुखी के फूलों की तरह सूरजमुखी कहते, कहते, है कहते हैं किसको जिसको हम कश्मीरी में गुल आफ्ताब कहते हैं सन फ्लावर जिस तरह सूरजमुखी जिस तरह आ, ये क्या कहते हैं उसको ये सनफ्लावर के फूल जो हैं वो आफ्ताब के गिरद तव करने के दिन थे जिस तरह सूरजमुखी जो है जिस तरह आफ्ताब सूरज को कहते हैं जिस तरह सूरज जाता है उसी तरह ये सूरज मुखी के फूल जो है वो भी उसी तरह अपना मुंह करते हैं ये आपने देखा होगा तो तवाफ करने का माने है इसके इर्द गिर्द घूमना तो मैं एक जमीन एक धरती जमीन एक धरती धरती भी जमीन को ही कहते हैं एक शहर एक सयारा था जिस तरह जमीन है धरती है एक शहर एक सयारा जो मसरत के चक्कर लगाता था मसरत खुशी को कहते हैं ये खुशी के दिन थे जो मैंने पूछ में गुजारे हैं कहने का मतलब है यही नावल निगार का मेरे वो दिन खुले नीले आसमान में सफेद बादलों की तरह गुजर गए जो दिन मैंने वहां गुजारे हैं पुनुष में वो इस तरह मेरे गुजर गए जिस तरह सफेद बादलों की तरह यानी कि सफेद बादल जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं आसमान पर वो घड़ियां आज भी याद के कि किसी ऊंचे बुरे टेले पर लम्हों की लंबी लंबी डड़ियों पर नरगिसी फूलों की तरह झुकी हुई मुझे तकती है वो यादें पुनिश की जो यादें हैं वो मेरे दिमाग में मेरे दिल में इस तरह है जिस तरह एक बूरे पर एक टीले पर लम्हों की लंबी लंबी डंडियाँ पर नरगी सी फूलों की तरह जिस तरह नरगी सी फूल हैं उसकी लंबी लंबी डंडियाँ होती है ऊपर उसका फूल होता है और वो मेरी उसी की तरह तकती है तकना मने है लगातार देखना कितने ही रास्ते हैं मेरे दिल में जो पुनुष की वादी को जाते हैं यानी मेरे दिल में सब कुछ याद है मेरे दिल में सिर्फ यही ख्याल आते हैं कि पुनुष की वादी में क्या क्या मैंने देखा है कभी शुमाल कभी मशर कभी जुनूब कभी मगरब जिधर से भी चलता हूँ पुनुष पहुँच जाता हूँ जिस तरह मेरा दिल जाता है जिस तरह मेरा हर वक्त हर लम्हे मेरे दिल में सिर्फ पुनुष के ख्याल होते हैं बड़े 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 टीढ़े टीढ़े कोहिस्तानी कठिन रास्ते हैं कठन माने हैं मुश्किल मगर जिधर से भी जाओ जब पुनष करीब आता है तो दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं पहाड़ फटने लगते हैं एक तरह बेताड़ का दरिया आता है अली आबाद की जानिब से यानी जब हम जाते हैं पुनष तो एक तरफ यहाँ उसने एक दरिया का नाम यहाँ रखा है बेताड़ का दरिया तो ये अली आबाद की जानिब से तरफ से जाता है दूसरी तरफ से पुनष का दरिया जिस वादी में इन दोनों दरियाओं का संगम है संगम किसको कहते हैं जहां दो दरिया मिल जाए उसको संगम कहते हैं वहीं पर पुनज का शहर आबाद है कहते हैं कि पिछले जमाने में एक राजा पुनश था दबा जो पुरान जमानेशाह ये नाव उस राजा पुनश उसने सबसे पहले इस वादी में शहर बसाया उसी ने इस वादी वादी किसको कहते हैं जहाँ चारों तरफ पहाड़ हो और बीच में एक मैदान हो उसको वादी कहते हैं उसी ने यह शहर वहाँ बसाया बनाया उसी के नाम पर उससे पुनश नगरी कहा गया फिर उसी बादशाह के नाम उसी राजा के नाम पर उसको पुनश नगरी कहा गया लेकिन बाद में ये नाम बिगड़ कर पुनश का पहले उसको पुनश कहते थे अब फिर उसका बन गया नाम पुनश और बाद में बिगड़ कर पुनश हो गया यादों की भीड़ लगी है इस शहर के वो तीस हजार चेहरे उनमें से हर एक को जाति तौर पर जानता हूँ यादों की भीड़ लगी है यानी मेरे दि... दिमाग में सिर्फ मेरे दिल में सिर्फ उन वहाँ की यादें हैं इस शहर के वो तीस हजार चेहरे जो लोग वहाँ बसते थे उन दिनों तीस हजार लगभग उनके तो... उन तमाम के चेहरे मुझे अभी भी याद हैं कभी इतने लोगों को जहाी तौर पर जाना मुमकिन है दबा इतन लोग है क्या इंसान रोजित याद इन्ह चेहरा मगर बम्बई में मुझे रहते हुए बीस साल हो गई नवलिनगर कहते कि मैं इससे पहले बम्बई में था जहाँ मैंने बीस साल गुजारे हैं लेकिन इन बीस सालों में अच्छी तरह बीस आदमियों को भी पहचान नहीं पाया बम्बई एक बम्बई एक बड़ा शहर है मैंने वहाँ मुझे बीस इन बीस सालों में बीस लोगों के भी चेहरे याद नहीं रहे मगर उस शहर के बचे बचे गली गली और घर घर से मैं वाकिफ़ हूँ लेकिन पुणे शहर के हर गली हर घर से मैं वाकिफ़ हूँ अजब तरह से वाकिफ हूँ यादों की स्केच बुक में चेहरे का एक ए, हर चेहरा एक किताब है यादों की स्केच बुक स्केच बुक किसको कहते हैं तस्वीरों की किताब कहते हैं कि एक स्केच बुक की तरह वो चेहरे मुझे याद है मैं इन्हें बयान भी नहीं कर सकता वो सब मेरे दोस्त हैं वो जो जिन चेहरों को मैं जानता हूँ जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो सब मेरे दोस्त थे एक का हाथ पकड़ता हूँ तो दूसरा फौरन मेरे जहन में आकर कहता है मुझे भूल गए यानी एक का हाथ में पकड़ता हूँ एक को मैं याद करता हूँ तो दूसरा जो वहाँ है वो मुझे फ़ौर जहन में आकर ये कह मुझे लगता है वो ये मुझे वो कहता है कि क्या मुझे भूल गए हो खूबसूरत रूम सा टीलों पर आबर फिर वो कहते हैं कि रूम रूम कैसा है रूम एक शहर है जो सौ टीलों पर आबाद है तो मेरा पुनष बारह टीलों पर यानी उन्होंने रूम को इस पुनष के साथ तजबी दी है या, और ये भी कहा है कि मेरा पुनष रूम से भी बड़ा है शायद इसलिए वो मुझे रूम से खूबसूरत मालूम होते हैं कहते हैं कि मुझे लगता है कि पुनष रूम से भी ज़्यादा खूबसूरत है एक टेले पर पुनष का पुराना किला आबाद है दूसरे टेले पर पुनज के शाही महल हैं और तीसरे टेले पर वजीर वज़ारत की कोठी है चौथे टेलें पर फौज की परेड ग्राउंड आप कहते हैं कि मैंने वहाँ क्या क्या देखा यानी इस पुनिश के शहर में इन टेलों पर इन पहाड़ की चोटियों पर क्या क्या मैंने देखा है वहाँ का वजीर वजारत की कोठी है वहाँ परेड ग्राउंड है वहाँ सरकारी अस्पताल है, वहाँ बागात हैं और वहां वो हाल है वो दरबार हॉल है सातवें टेले पर पूरा ग्राउंड बराबर करके एयरपोर्ट बना दिया गया है आठवें टेले पर खोड़ियनार के मुजाफर मुजाफर किसको कहते हैं बड़े बड़े मैदान है तो नवा शहर नवा टेला जो है तो वो शहर का मरकजी हिस्सा है तीन तरफ से बाजार डलानों से शुरू होते माने हैं कि ऊंचे ऊंचे जहा ऊंचे ऊंचे जाते हैं तो दसवें टेले पर किसी वहां रेजिडेंसी थी अब वहां पर बड़े बड़े हाकमों के बंगले है गैरवें टेले पर बिजली के लिए पानी बहमपुर पानी फराहम करने का एक तालाब बनाया गया है तो बारहवें टेले पर क्या है फवारा बाग है यह वह बाग जहाँ फवारे लगाए गए हैं तो ये एक बहुत ही छोटे पैमाने पर कश्मीर के शालमार बाग की नकल यानी उसको उसने दिया है कश्मीर के शालीमार बाग के साथ एजबी और इस फवारा बाग के तीन तरफ सतह मरतफा पर फैले हुए बाग हैं बड़े बड़े मैदानों में बड़े बड़े बाग हैं जिनमें क्या क्या दरख्त हैं लोकाट के दरख्त है अनार के दरकत हैं है, नाशपतियों के बाग हैं चीरी पलम और विलायती आडू के बाग हैं और जहाँ पर ये बाग ख़त्म होते थे वहाँ पर हमारे स्कूल का प्ले ग्राउंड था प्ले ग्राउंड किसको कहते हैं खेलने का मैदान बाकी वसलम बाकी दूसरे दिन मैं आपको पढ़ाऊँगी